वेलकम बैक। एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग काफ़ी समय से पूछते हैं कि बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको डीडी बसु पढ़नी चाहिए या एम लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे यूपीएससी का प्री प्लस मेंस का जनरल स्टडीज़ बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। तो इसके लिए आपको डीडी बसु या एम लक्ष्मीकांत में से एक बुक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप दोनों पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप दोनों नहीं पढ़ सकते हैं तो लक्ष्मीकांत और डीडी बसु इनमें से कौन सी आपको लेनी चाहिए। एक कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको छोटा सा बता देता हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहली बात, लक्ष्मीकांत और डीडी बसु में बेसिक डिफरेंस ये है कि लक्ष्मीकांत एक ऐसी भाषा में लिखी गई है, एक ऐसे इंटेंशन के साथ लिखी गई है जो सोचता है कि पढ़ने वाले को कुछ भी नहीं पता, पढ़ने वाला एकदम न्यूवी है, बिल्कुल बिगिनर है। वहीं दूसरी तरफ डीडी बसु यानी दुर्गादास बसु की जो बुक है वो ये सोच के लिखी गई है कि पढ़ने वाले को भारत के थोड़े लीगल एस्पेक्ट्स का, थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि एम लक्ष्मीकांत एक यूपीएससी के कोचिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंग के डायरेक्टर के द्वारा लिखी गई, डायरेक्टर हैं या टीचर हैं मुझे श्योर नहीं है, बट डीडी बसु एक लॉयर की तरफ से लिखी गई, वो एक लॉयर थे तो नेचुरली जो एक लॉयर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेगा किताब वो डीप में जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उनकी किताब में आपको हल्का सा ज़्यादा आइडिया अंदेशा मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के डेप्थ का। वहीं एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी यूपीएससी को रिक्वायरमेंट है प्री और जनरल स्टडीज़ में उतना ही टॉपिक को टच करती है, आपको अननेसेसरीली डीप में नहीं लेके जाता जो आपके काम की चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि लक्ष्मीकांत को कहा जाता है कि प्री के लिए बेटर मानी जाती है, वहीं अगर मेंस के लिए आपको पढ़ना है तो डीडी बसु अच्छी मानी जाती है मेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक डिफरेंस है कि जो लक्ष्मीकांत में एक्सप्लेनेशन है किसी भी टॉपिक का वो बहुत कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया गया है। तो यानी अगर आप यूपीएससी के लिए मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं दैट मीन्स आपको लेंदी आंसर लिखना है, उसके लिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप बेटर आंसर लिख पाएंगे। इस फ्रंट पे भी एम लक्ष्मीकांत को बेटर माना जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज, डीडी बसु की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एम लक्ष्मीकांत की इंग्लिश और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक डिफरेंस है, लक्ष्मीकांत एक एक चीज़ को उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज किया है। ऑर्गेनाइज्ड मैनेज करने का एक प्लस पॉइंट ये है कि सपोज़ आप एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले अगर रिविज़न करना चाहते हैं तो बिकॉज ऑफ द इंडेक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आप एम लक्ष्मीकांत से बेटर रिवीजन कर पाएंगे, आपको नोट्स की तरफ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीडी बसु से अगर आप एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको उन नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो आप डीडी बसु से पढ़ते हुए बनाते हैं, दैट मीन्स डीडी बसु पढ़ते हुए आपको नोट्स 100% बनाने ही पड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काम करती है, दोनों से लोग पढ़ के पास होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। एम लक्ष्मीकांत को बाइबल ऑफ यूपीएससी स्टूडेंट्स कहा जाता है, वहीं डीडी बसु भी एक बहुत अच्छा इंसाइट देता है इंडियन पॉलिटी का। तो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें कि कौन सी बुक बेटर है, बुक दोनों बेटर हैं। अगर आप एक लेमैन हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो नेचुरली आपको एम लक्ष्मीकांत के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखते हैं या आपको इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी के साथ यूपीएससी की तैयारी करनी है तो डीडी बसु इज़ योर बुक। एंड इन दी एंड अगर पॉसिबल है तो आप दोनों बुक को एक एक दो दो टॉपिक या चैप्टर पढ़ के देखिए, आपके किसी फ्रेंड के पास होगी, लाइब्रेरी में होगी, ऑनलाइन होगी, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कौन सी बुक आपके लिए बेटर है। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन चाहेंगे, आई लाइक एम लक्ष्मीकांत बेटर। थैंक यू।